हिंदू धर्म यानी सनातन संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है, जिसके चलते भारत में चार धाम यात्रा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। और भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने जीवन में चार धाम की यात्रा जरूर करते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि चार धाम की यात्रा करने से आत्मा को सिद्धि मिल जाती है, यानी व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बात बता दें कि भारत में चार धाम के अलावा उत्तराखंड के चार धाम भी मौजूद हैं, जिन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको छोटे और बड़े यानी दोनों चार धाम की यात्रा के बारे में बताएंगे, वो कौन कौन से हैं, कहां पर स्थित हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर बात करें भारत के छोटे चार धाम यात्रा, तो वो मौजूद है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है, इसलिए इस देवभूमि में यानी उत्तराखंड में चार ऐसे धाम भी मौजूद हैं, जिसको अगर कोई श्रद्धालु उत्तराखंड के इन चार धामों की यात्रा भी कर ले तो ऐसा माना जाता है कि उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर बात करें उत्तराखंड के पहले चार धाम यात्रा की, तो वो है गंगोत्री। जी हाँ, तो गंगोत्री उत्तराखंड में वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, उसे गंगोत्री धाम भी कहा जाता है। और ये गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि दशरथ के वंशज महाराजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था, और इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी, तब जाकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। और जो ये गंगोत्री धाम है, यह हिमालय पर्वत पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण पर वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश में जाकर तीर्थ धाम की यात्रा को सफल करते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे उत्तराखंड के धाम के बारे में, तो उसका नाम है यमुनोत्री। तो उत्तराखंड के कांवर स्थल यानी जहाँ से यमुना का उद्गम होता है, उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, और जो कालिंद पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इसे कालिंदी की संज्ञा भी दी जाती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी, छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो भी यमुना नदी में स्नान करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। और ये तीर्थ धाम समुद्र तल से लगभग 4440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड भी स्थित है, जिसमें पानी का जो टेम्परेचर है वो 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इस पानी के आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं, और मात्र 2 मिनट में ये चावल बनके तैयार हुई हो जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे धाम के बारे में, जो उत्तराखंड में मौजूद है, वो है केदारनाथ। और केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत की केदार घाटी पर स्थित है, जो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इस केदारनाथ मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ महाभारत कालीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के प्रायश्चित को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे, और उसके पश्चात उन्होंने इस केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के उस चौथे धाम के बारे में, जिसका नाम है बद्रीनाथ। यानी बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित चार छोटे धाम और भारत के चार बड़े धामों की श्रेणी में भी आता है, यानी इसकी गिनती उत्तराखंड के छोटे धामों में भी की जाती है और भारत के बड़े धामों में भी की जाती है। और इस धाम की मान्यता यह है कि यहाँ पर नर नारायण यानी भगवान विष्णु की तपस्या का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात रही उत्तराखंड के उन चार छोटे धामों के बारे में, और अब हम आपको बताते हैं भारत के उन चार धामों के बारे में, जिसकी गिनती भारत के बड़े धामों में की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी श्रद्धालु इन धामों की यात्रा करता है, तो उसे जीवन मृत्यु के खेल से मुक्ति मिल जाती है। तो भारत का जो पहला धाम है वो है जगन्नाथपुरी। यानी भारत में चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम को वैष्णव समुदाय द्वारा बनाया गया द्वापर युग का मंदिर माना जाता है, और ये भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो भगवान कृष्ण के अवतार के लिए बनाया गया था।
और जो जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा है और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ओडिशा राज्य में आकर्षण के दो सबसे मुख्य केंद्र भी माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। और इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य संप्रदाय के लोगों का प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित माना जाता है। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों ने करीबन 17 बार हमले किए थे और इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो असमर्थ रहे थे, यानी इस मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। और ये जगन्नाथपुरी मंदिर अपने साथ बहुत से रहस्य भी जोड़े हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी को इस खजाने के बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में बहता है, और जब भी सूर्य का प्रकाश इस मंदिर पे पड़ता है उसके बावजूद भी मंदिर की जो छाया है वो जमीन पर नहीं पड़ती है। तो अपने इन्हीं सब रहस्यों और पुरानी धार्मिक अवधारणाओं को लेकर इस मंदिर को चार धामों में से एक का स्थान दिया गया है। और अब बात करते हैं भारत के दूसरे धाम के बारे में, तो वो है द्वारिकाधीश मंदिर। यानी भारतीय चार धामों में से दूसरा स्थान द्वारिकाधीश मंदिर का है, जो भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। और इस मंदिर को भी भगवान के कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि गुजरात में स्थित समुद्र तट पर द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया था। और ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर बहुत सारे द्वार खुले हुए थे, जिसके कारण इसे द्वारिका की संज्ञा दी गई थी। और लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। और ये भी मानना है कि आज भी ये नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है, जिसको हाल में ही काफी रिसर्च के द्वारा ढूंढा भी गया है। और जो तीसरा भारत का धाम आता है उसका नाम है बद्रीनाथ धाम, यानी अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ, जो भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। और बद्रीनाथ धाम के बाहर का वातावरण बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर हमेशा यानी पूरे साल बर्फ की वर्षा होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम के मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है, और उसका जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसके कारण इस कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहाँ बनाया गया है वहां पर भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। और अब बात करते हैं उस धाम के बारे में जो भारत का अंतिम धाम है, जिसे रामेश्वरम धाम कहते हैं। और रामेश्वरम मंदिर भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है, और ये अंतिम धाम भगवान शिव से संबंधित है। और तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ ये रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और इस धाम के पीछे की कहानी ऐसी मानी जाती है कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए लंका जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने इसी स्थान पर रुककर भगवान शिव की उपासना की और उनके लिए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर दी, जिसके बाद रामेश्वरम में उपस्थित होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा गया। तो ये जानकारी रही भारत के सबसे पवित्र धामों के बारे में, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मन को सुकून और शांति भी मिलती है। तो अगर आपको इन धामों के बारे में जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।